नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर विधान परिषद चुनाव के पहले बड़ा भूचाल। चुनाव के एक दिन पहले कांग्रेस ने अपने अधिकृत उम्मीदवार को हटाया। निर्दलीय उम्मीदवार मंगेश देशमुख को कांग्रेस का समर्थन। राज्यसभा सांसद डॉक्टर विकास महात्मे ने उठाया राज्यसभा में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा। और अनिल देशमुख जल्द ही बाहर आएंगे, कैबिनेट मंत्री जयंत पाटिल को विश्वास। और अब खबरें विस्तार से। आखिरकार इतने दिनों बाद विधान परिषद के चुनाव पर कांग्रेस खेमे पर लगाए जा रहे तर्क वितर्क पर आखिरकार विराम लग गया है, जहां कांग्रेस ने अपना समर्थन निर्दलीय उम्मीदवार मंगेश सुधाकर देशमुख को जाहिर कर दिया है, जिसके कारण अब विधान परिषद के चुनाव में भूचाल आ गया है। ज्ञात हो कि जब से भाजपा छोड़ कांग्रेस में प्रवेश कर विधान परिषद का उम्मीदवार चुने जाने के बाद छोटू भोयर को सशक्त उम्मीदवार माना जा रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ कांग्रेसी नेता इस बात से नाराज हो गए थे, ऐसी भी खबर प्रसारित हो रही थी। इस बात पर सवाल पूछे जाने के बाद खुद कांग्रेस प्रत्याशी छोटू भोयर ने इस बात का खंडन करते हुए इसे भाजपा द्वारा फैलाई जा रही अफवाह बताया। लेकिन इस अफवाह के बाद कांग्रेस उम्मीदवार बदल सकती या किसी अन्य उम्मीदवार को समर्थन करने की खबरों को भी प्रसारित किया गया। और आखिरकार ऐसा ही हुआ, जब गुरुवार शाम को कांग्रेस पार्टी द्वारा एक पत्र जारी कर अपना समर्थन निर्दलीय उम्मीदवार मंगेश सुधाकर देशमुख को घोषित कर इस पर मुहर लगा दी गई, जिसमें ये भी कहा गया है कि उनके उम्मीदवार छोटू भोयर ने उनके चुनाव लड़ने में असमर्थता जताई है, जिसके कारण वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन बात कुछ और ही है, जिसे देखते हुए चुनाव के एक दिन पहले कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार छोड़ किसी निर्दलीय को अपना समर्थन जारी कर दिया, जिसके पीछे किसी कांग्रेस के बड़े नेता का अड़ जाना बताया जा रहा है, जो छोटू भोयर को उम्मीदवार देने से नाखुश चल रहे थे, ऐसी जानकारी भी सूत्रों द्वारा दी गई है। महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण को लेकर जो गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है, उसके बारे में गुरुवार को राज्यसभा सांसद पद्मश्री डॉक्टर विकास महात्मे ने राज्यसभा के शून्य प्रहर में मुद्दा उठाया। उम्मीद है कि इस पर जल्द ही कोई कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर विकास महात्मे, चेयरमैन साहब, मैं आपके जरिए सभी का ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, काफ़ी अन्यायकारक भी है, कि महाराष्ट्र में अभी फिलहाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और म्युनिसिपलिटीज़ का, वैसे ही स्थानीय नगर निगम का, जिला परिषद का, जिला पंचायत का इलेक्शन है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये सभी इसमें जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है उनका प्रतिनिधित्व खत्म किया गया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। इसकी वजह ऐसे है कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को कहा था कि तीन मुद्दों पर वो काम करे। पहला ये था कि पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी कमीशन बनाए और वह ओबीसी कमीशन फॉर्म करे, पहला। दूसरा, इस कमीशन के जरिए एम्पेरिकल डाटा वो कलेक्ट करें। एम्पेरिकल डाटा यानी अनुभवजन्य डाटा है, जैसे हमारा एग्जिट पोल होता है उसमें भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं और वो टीवी पर अपने को दिखाया जाता है, वैसे ही ये डाटा मराठा आरक्षण के वक्त भी महाराष्ट्र सरकार ने कलेक्ट किया था, वैसे ही ये एम्पेरिकल डाटा कलेक्ट करने का काम था जो पॉसिबल था। लेकिन ये दोनों चीज़ों में कुछ भी काम उसके बाद हुआ नहीं। इसमें जो ओबीसी कमीशन स्थापन करने का निर्देश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, वह ओबीसी कमीशन 1.5 साल तक के स्थापित नहीं हुआ और उसके जरिए जो एम्पिरिकल डाटा कलेक्ट करना था वो भी काम नहीं हुआ। ये स्थापन अभी पिछले 5 महीने पहले हुआ ओबीसी कमीशन, लेकिन उनको जगह भी दी नहीं गई और उसी प्रकार उनको फंड भी आवंटित नहीं किया गया। तो इसकी वजह से दो जो उसमें सदस्य थे उन्होंने भी उसको बहिष्कृत किया या उसका रेसिग्नेशन दिया उन्होंने, ताकि उनके ख्याल में आया कि इसके लिए सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं हो रही है, ओबीसी का आरक्षण बचा रहे इसलिए। तो इसकी वजह से पहली बार जो 50% से भी ज़्यादा ओबीसी महाराष्ट्र में है उनके ऊपर
एक अन्याय हो रहा है और राजकीय प्रतिनिधित्व हमेशा के लिए खत्म हो रहा है। इसके लिए कोई भी एक डिपार्टमेंट भी जवाबदेही नहीं है। ये जवाबदेही बनाना सरकार की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो पूरी नहीं की गई। अभी पूना, नागपुर, मुंबई कॉरपोरेशन, ये सभी, औरंगाबाद, ये सभी बड़े महानगरों का कॉरपोरेशंस के इलेक्शंस हैं और 50% से भी ज़्यादा इलेक्शंस के ये जो सीट्स हैं, तो इसमें पूरी तरह से हमेशा के लिए 5 साल के लिए करीबन OBC आरक्षण नहीं रहेगा। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि वो सेंट्रल OBC कमीशन है, वो सुमोटो अपने आप इसे ले और इसके ऊपर कार्यवाही करे और सरकार भी उचित निर्देश महाराष्ट्र सरकार को दे। धन्यवाद। राज्य के जल संपदा मंत्री जयंत पाटिल विदर्भ दौरे पर हैं। गुरुवार सुबह नागपुर विमानतल पर उनका आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से विविध मुद्दों पर संवाद साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि अनिल देशमुख को केंद्रीय जांच एजेंसी लंबे समय के लिए अंदर रख रही है। उन्होंने कहा कि अनिल देशमुख जल्द ही बाहर आएंगे। अपेक्षा है अनिल देशमुख जी लवकरच बाहेर येतील। मुद्दा म्हणून कोणतेही कारण नसताना त्यांना अटक करून ठेवण्याचा सतत प्रयत्न केंद्रीय एजन्सीज करतात। ते बाहेर आल्यानंतर हा प्रश्नाचं उत्तर नक्की मिळेल, पण विलंब झालेला आहे हे खरं आहे, आणि असं असेल तर मग पर्यायी व्यवस्था आम्ही लवकरच जाहीर करू। हमें उम्मीद है जल्द आने चाहिए, क्योंकि अभी कोई ऐसा नहीं रहा है कि जिस वजह से उनको अंदर रखने की आवश्यकता है। वो जो भी उनके ऊपर आरोप थे उसमें कोई भी तथ्य नहीं है, ये अभी सबके सामने आया है। जिनके नाम लिए जा रहे थे वाजे के साथ, और दो जन जो थे उन्होंने भी बताया है कि जो बात परमवीर सिंह जी ने उनके लेटर में कही थी उसमें कोई तथ्य नहीं है। अब उनको अंदर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैबिनेट मिनिस्टर छगन भुजबल ने ओबीसी आरक्षण की समस्या हल होने तक चुनाव रोकने की बात कही। उन्होंने इस मामले में वरिष्ठ वकीलों से बात की। उनका कहना है कि स्थानीय स्वराज्य संस्था के ओबीसी आरक्षण संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में 13 दिसंबर को सुनवाई होगी। स्थानीय स्वराज्य संस्था के लिए राज्य में 21 दिसंबर को मतदान होने वाला है, इसलिए ओबीसी आरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रयास करने की बात उन्होंने कही। जो है विजेती जो है बड़े वकील जो है, हम उनको दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे केस को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे और सुप्रीम कोर्ट से जो है ये ऑर्डर पास करें, इलेक्शन हो तो सत्ता हो, अगर उसको स्टे हो स्थगिति मिले तो सबको स्थगिति मिले, कोई इलेक्शन ना हो, ओबीसी के ओबीसी को छोड़कर इलेक्शन ना हो, यही हम उनसे प्रतीक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद। आशीष शेलार शिवसेना के विरोध में आक्रामक भूमिका रखते हैं, लेकिन वे किसी भी महिला पर अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकते, ये कहना है विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस का। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा। विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि आशीष शेलार पर मामला दर्ज किया गया है क्योंकि वे शिवसेना के विरोध में आक्रामक भूमिका रखते हैं। उन्हें शांत करने के लिए ऐसा किया गया है। साथ ही उन्होंने नागपुर से चुनाव में चंद्रशेखर बावनकुले के जीत का विश्वास जताया। खरं म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचा कुठलाही नेता आणि विशेषतः आशिष शेलार हे कोणत्याही महिलेबद्दल अभद्र किंवा चुकीचा शब्द वापरू शकत नाहीत। महापौरांबद्दल तर बिलकुलच नाही। काल त्यांची प्रेस कॉन्फरन्स किंवा त्यांचा जो काही प्रेस नोट आहे याचा अतिशय चुकीचा अर्थ काढून आणि त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। कदाचित आशिष शेलार हे शिवसेनेच्या विरुद्ध आक्रमकतेनं बोलतात म्हणून त्यांना शांत करण्याकरता अशा प्रकारचा गुन्हा दाखल करण्यात आला का, हा देखील एक प्रश्न आहे। मात्र मी हे खात्रीने सांगू शकतो, महापौरांबद्दल किंवा कुठल्याही महिलेबद्दल आम्हाला प्रचंड आदर आहे, त्यामुळे आशिष शेलार किंवा भाजप कोणीही त्यांच्याबद्दल वाईट किंवा चुकीचे शब्द वापरू शकत नाही। भाऊ, नागपूर MLC मध्ये काँग्रेस उमेदवार बदलण्याच्या तयारीत आहे, आयात केलेला उमेदवार आणि आता पण कन्फ्युजन तयार झालं। काँग्रेसने उमेदवार बदलला काय आणि तोच ठेवला काय, काहीही त्याचा परिणाम होणार नाही। ही निवडणूक चंद्रशेखर बावनकुळेजी। वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश।
पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पेड़ों पर खिले ठोकने वालों पर अब नागपुर मनपा द्वारा कार्रवाई की जाएगी। मनपा आयुक्त ने पेड़ों पर खिले ठोककर लगाए गए विज्ञापन निकालने के लिए 3 दिन की मोहलत दी है। पेड़ों को खिले ठोककर उस पर विज्ञापन लगाने वालों के खिलाफ नागपुर मनपा द्वारा कार्रवाई की जाएगी। पेड़ों पर लगाए गए विज्ञापन, पोस्टर, अन्य चीजें निकालने की 3 दिन की मोहलत मनपा द्वारा दी गई है। 3 दिन के बाद पेड़ों पर विज्ञापन नजर आएंगे तो मनपा द्वारा पुलिस स्टेशन में महाराष्ट्र विरूपण प्रतिबंध अधिनियम 1995 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। ऐसे आदेश मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने दिए हैं। कल्याण में 1.5 वर्षीय मासूम के मृत्यु मामले में डॉक्टर और उनके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मासूम बच्ची का गलत इलाज करने की वजह से उसकी मौत हो गई। पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। कल्याण में इलाज के दौरान 1.5 वर्षीय मासूम बच्ची की कुछ महीने पहले मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में बच्ची के परिजनों ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई सबूत ना रहने से पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद बच्ची के माता पिता ने न्याय के लिए कल्याण न्यायालय में गुहार लगाई, जिसके बाद डॉक्टर के साथ हुई बातचीत का स्टिंग ऑपरेशन कर बनाए गए वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर संबंधित डॉक्टर और उसके साथी पर मामला दर्ज किया गया। थोड़ा हल्का खाली बुखार था तो मैं डॉक्टर अंसारी के पास लेके गई। मैं तो नई गोइनवाड़ी कचोरे में रहती हूँ। मैं डॉक्टर अंसारी के पास लेके गई तो बोलता अच्छा ठीक है, बोले उन्होंने दवा दिए 5 तारीख को। हाँ, 5 तारीख को दवा दिए, फिर 6 तारीख को फिर मैं लेके गई इनको। मैं बोली डॉक्टर साहब आपके दवाई से ज़्यादा ही हो रहा है मेरी लड़की को, मैं बोली। तो बोलने लगे नहीं आप मेरा इलाज करो, बोलते अच्छी हो जाएगी तुम्हारी लड़की। मैं उनको उन्होंने क्या कि एक दवा दिए और भाप दिए मेरी लड़की को, तो मेरी लड़की वहाँ के वहाँ ख़त्म हो गई। लेकर आने के बाद 2 बजे गई थी मैं सर, उसके बाद वहाँ से लेकर आई 7:30 बजे, मेरी बेटी 7 बजे ख़त्म हो गई। आधे घंटे के अंदर मेरी लड़की वहाँ ख़त्म हो गई। उन्हें क्या मालूम क्या दवा दी है। डॉक्टर अंसारी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ना मेरी लड़की को मर के 6 महीना हो गया। मैं पुलिस चौकी गई, इन लोगों ने मेरे दोनों कंप्लेंट नहीं लिए। मैं फिर राजेंद्र दादा के पास आई तो रेखा ताई के यहाँ से मुझे फुल मदद हुई कि नहीं तो हम लोग की तरफ से होएगी करके। तो आज 6 महीने से रेखा ताई हम लोगों का बहुत साथ दे रहे, सत्येंद्र दुबे भी हम लोग का बहुत साथ दे रहे। हम लोगों का 1 रुपये नहीं लगा, सब कर रहे रेखा ताई और हमारा सत्येंद्र दुबे। कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिल यात्रा पूरी करने का बालकुम की जलपरी सई आशीष पाटिल ने संकल्प लिया है। 10 वर्ष की सई 4000 किलोमीटर का सफर माँ वैष्णो देवी के प्रवेश द्वार से 16 दिसंबर को शुरू करेगी। बालकुम और ठाणे परिसर की जलपरी के रूप में प्रसिद्ध 10 वर्ष की सई आशीष पाटिल कश्मीर से कन्याकुमारी के करीब 4000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करने वाली है। 16 दिसंबर को कश्मीर के कटरा स्थित पवित्र माँ वैष्णो देवी के प्रवेश द्वार से यात्रा शुरू करेगी और कम से कम समय में यात्रा पूरी करने का संकल्प सई ने लिया है। कटरा, उधमपुर, जम्मू, सांबा, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, अटारी बॉर्डर, बीकानेर, जोधपुर, पालमपुर, गांधीनगर, अहमदाबाद, वडोदरा, वलसाड, वापी, ठाणे, पनवेल, पुणे, कोल्हापुर, मैसूर, मदुराई से कन्याकुमारी 2 महीने तक सई साइकिल से सफर करेगी। साथ ही उसके पिता आशीष नामदेव पाटिल भी उसे साइकिल चलाकर प्रोत्साहन देने वाले हैं। आज अत्यंत आनंदाचा आणि असं अभिमानाची गोष्ट आहे की आमच्या बालकुम गावची एक चिमुकली पोरडी जिला जलपरी म्हणून आपल्या संपूर्ण ठाणे शहरामध्ये सुप्रसिद्ध आहे। आज तिने संकल्प केलेला आहे की काश्मीर ते कन्याकुमारी हे जवळजवळ 4000 किलोमीटरचा प्रवास ती सायकलने पूर्ण करण्याचा तिने संकल्प केलेला आहे। अतिशय मोठी झेप तिने घेतलेली आहे, अत्यंत धाडसी असा संकल्प तिने केलेला आहे, एक निर्धार केलेला आहे की हे मी करू शकेन। आज ही एक अत्यंत अभिमानाची अशी गोष्ट आहे आणि आम्हाला बालकुमाशांना तर तिचे अनेक पराक्रम तिने लहान वयामध्ये केलेले आहे। खरं म्हणजे तिचं वय आहे लहान आहे, अतिशय हसण्याचं, बागडण्याचं, नाचण्याचं, मौजमस्ती करण्याचं, धमाल मस्ती करण्याचं, परंतु ह्या वयामध्ये मुलं मोबाईलच्या मागे असतात, मुलं टी व्हीच्या मागे असतात, इंटरनेटच्या मागे असतात,
परंतु ही चिमुकली मुलगी मात्र एक वेगळाच काहीतरी विश्वविक्रमाकडे निघालेली आहे आणि हा ही गोष्ट अत्यंत आम्हाला भावलेली गोष्ट आहे. म्हणून आम्ही बालकुमवासी सगळ्या तिच्यासाठी एकत्रित झालेलो आहोत की या बालकुमवासियांची एक सुकन्या जी आपल्या संपूर्ण भारत देशाची यात्रा सायकलवरनं करणार आहे तिला शुभेच्छा देण्यासाठी आजचा हा मी शुभेच्छा समारंभाचा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे. तिला पुढच्या प्रवासासाठी सुरक्षित आणि सुखरूप यशस्वी सायकल प्रवासासाठी आम्हा सर्वांकडून आमच्या शिवसेना शाखेकडून माझ्या पाटील परिवाराकडून आणि सर्व बालकुम ग्रामस्थांकडून मनापासून हार्दिक शुभेच्छा. ती नक्कीच या प्रवासामध्ये यशस्वी होईल आणि पुन्हा एकदा आपण याच ठिकाणी तिचा 2 महिन्यांचा सत्कार करू असे या ठिकाणी मला ठाम विश्वास आहे. प्रेमिका की शादी तय होने से आहत प्रेमी ने उसे मॉल में ले जाकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. गुमशुदगी के मामले की पुलिस जांच के दौरान बुधवार को ये खुलासा हुआ. गणेशपेट पुलिस ने मॉल से मृतदेह बरामद कर लिया है. मोमिनपुरा निवासी मुजाहिद अंसारी और गिट्टी खदान निवासी फरजाना में प्रेम संबंध थे. हाल ही में फरजाना के परिजनों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी. जल्द ही उसकी शादी होने वाली थी. इससे मुजाहिद काफी आहत था. योजना के तहत उसने 2 दिसंबर को दोपहर करीब 1 बजे फरजाना को सदर में मिलने के लिए बुलाया. यहां से दोनों गणेशपेट के एम्प्रेस मॉल गए. मॉल की चौथी मंजिल के एक कमरे में ले जाकर मुजाहिद ने गला दबाकर फरजाना को मौत के घाट उतार दिया. इसके बाद वह वहां से चला गया. इस बीच फरजाना के घर न लौटने पर परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की. इसकी जाँच में जुटी पुलिस ने फरजाना के कॉल डिटेल्स खंगाले. इसमें आखिरी बार मुजाहिद से बात होने का पता चला. पुलिस ने मुजाहिद को कब्जे में ले लिया. उससे कड़ाई से पूछताछ में उसने यह सारा वाक्य बताया. इसके बाद उसकी निशानदेही पर पुलिस ने एम्प्रेस मॉल की चौथी मंजिल से फरजाना की मृतदेह बरामद कर लिया है. तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही. आपसे कल फिर मुलाकात होगी. तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज. नमस्कार.